बच्चे ने जिद की तो पिता ने डलवा दिया वोट। ये मामला भोपाल में सामने आया और अब इस मामले में नाबालिग बेटे से वोट डलवाने वाले भोपाल जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर पर FIR दर्ज कर ली गई। बूथ के पीठासीन अधिकारी संदीप सैनी, उनके सहायक CR बाथम, मनोज कुमार मौर्य और मदन गोपाल पटेल को भी सस्पेंड कर दिया गया है। बूथ पर तैनात प्रधान आरक्षक संतोष को भी इस पूरे मामले में लाइन अटैच कर दिया गया है। आपको बता दें कि भोपाल संसदीय सीट पर वोटिंग के दिन 7 मई को बैरसिया तहसील के मतदान केंद्र नंबर 71 खितवास पर मेहर ने नाबालिग बेटे से वोट डलवाया था और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था, लेकिन इसके वायरल होने के बाद इसे डिलीट किया गया। हालांकि कांग्रेस ने इस मुद्दे को खूब लपका। कांग्रेस के नेता हैं पीयूष बबेले, सोशल मीडिया साइट X पर उन्होंने एक पोस्ट किया और लिखा कि BJP ने चुनाव आयोग को बच्चों का खिलौना या खिलवाड़ बना दिया है। भोपाल में BJP के जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर की तरफ से नाबालिग बेटे से वोट डलवा दिया गया और वोट डालते वक्त का विनय मेहर ने वीडियो भी बना डाला और इस वीडियो को फेसबुक पर पोस्ट भी कर दिया गया विनय मेहर के द्वारा। इसमें उन्होंने सवाल किया है कि क्या इस मामले में वाकई में कोई कार्रवाई भी अब होगी या नहीं होगी। इस ट्वीट के सामने आने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने दोपहर को बैरसिया SDM आशुतोष गोस्वामी को इस पूरे मामले की जांच सौंपी थी और जांच 3 घंटे में पूरी हो गई और फिर बैरसिया थाने में इस पूरे मामले में FIR दर्ज करा दी गई। लेकिन इस पूरे मामले में भोपाल जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर जो हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनका बेटा जिद कर रहा था, इसीलिए उसे वो मतदान केंद्र साथ में ले गए थे और वोट भी उसी से डलवा दिया और वोट डलवाया तो मतदान जो हो रहा था उसका वीडियो भी बनाया और वो कह रहे हैं कि गलती से ये वीडियो उन्होंने बना लिया और ये भी कह रहे हैं कि गलती से इसे पोस्ट भी कर दिया गया और ये कह रहे हैं कि उनकी मंशा इसके पीछे कुछ और नहीं थी।